हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो ज़रूर आपका स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस चैनल से जो भी नई वीडियोज़ हैं, न्यूएस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहें। तो आपके पर्सन की थॉट्स यहाँ पर पहले ग्रैप करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, डेथ, पेज ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ कप्स, द स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन आपके साथ एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर करना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू एंड द सिचुएशन बिटवीन द टू ऑफ यू। यहाँ पर आपके और इनके बीच में कोई एक ऐसा मैटर डिस्कस हो रहा होगा जहाँ पर आप इनसे सहमत नहीं हो या ये आपसे सहमत नहीं है, कोई बातें सही एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो आपके पर्सन इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, और इनके लाइफ में अगर दो ऑप्शंस हैं, दो सिचुएशंस हैं, हालात अगर दो हिस्सों में बट गए हैं, तो इन्हें एक ऑप्शन या एक साइड कम्प्लीटली एंड करना पड़ेगा, कम्प्लीटली वहाँ से विड्रॉ इन्हें होना पड़ेगा, तभी जाकर ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट में आ सकेंगे। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या मैं ऐसा करूँ कि आपका एक जो अटेंशन है, आपका एक जो साथ है, एक कोलैबोरेशन जो आपका है, वो इन्हें वापस से मिल जाए। दे रियली वॉन्ट टू वर्क टूगेदर, यहाँ पर ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। जब आप वॉकअवे करने लगे हो, जब आप इनसे छूटने लगे हो, आपका इन्हें इनके लिए वो साथ नज़र नहीं आ रहा है, तो योर पर्सन इज रियली वेरी वरीड। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दे आर जस्ट यू नो इन सम काइंड ऑफ एन इमोशनल लॉस। इमोशनली भी ये खुद में एक डिसकंटेंटमेंट महसूस कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि कुछ तो इनसे खो गया, और ये एक रिग्रेटफुल एनर्जीज में हैं। दे आर जस्ट यू नो पछता रहे हैं ये कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, या फिर ये कहीं आपको खो तो ना देंगे, यू नो इस तरह के फियर्स मैं कह सकती हूँ, जिसके चलते यूनिवर्स से ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट विशिंग फॉर द हैप्पी टाइम। आपके और इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा ब्यूटिफुल सा पेस मेंटेन्ड चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन पॉप अप हुई है कि आपके पर्सन अभी वो बैलेंस खोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ तो इनकी लाइफ से इनकी लाइफ में कुछ डगमगा सा गया है। यू नो एक सडन वेज में शिफ्ट इनकी लाइफ में इस तरह से आ रहा है कि चीज़ें इनके लिए इम्बैलेंस्ड वेज में प्रोसीड हो रही हैं, और ये सारी चीज़ों को एक साथ बांधना चाहते हैं, जैसे कि इनका करियर फ्रंट हो या इनकी फैमिली लाइफ हो या फिर जो भी इनके लाइफ में जितने भी एरियाज हैं, ये उन सारी चीज़ों को एक साथ बांध कर रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, जो कि मुश्किल है। हर बार ऐसा ही होता होगा आपके पर्सन के साथ, कहीं ये बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ के किसी एरिया पर तो दूसरा एरिया छूटता ही है, और वहाँ पर ये फिर से स्ट्रगल करने लग जाते हैं। तो ये एक ऑन एंड ऑफ या फिर एक कंटिन्यूस इनका एक स्ट्रगल मैं देख रही हूँ वहाँ पर, कि ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सभी चीज़ों को बांध कर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ इनसे छूट ही जाती है जिसका गम इन्हें है। दे आर जस्ट लॉस्ट, दे आर सैड, दे आर वरीड, और बहुत सारे वर्स्ट के सिनेरियोज आपके पर्सन सोच रहे हैं। और इवन इन्हें लगता है कि अगर ये अभी इन सारी सिचुएशन पर अपना कंट्रोल नहीं बनाते हैं तो इनसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें इनसे यू नो इम्बैलेंस्ड वेज में इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगी कि बहुत कुछ खो देंगे अपनी ज़िंदगी से, या तो इनके लाइफ का कोई एरिया इस तरह डैमेज हो जाएगा कि वहाँ पर ये दोबारा से अपना वो पावर नहीं रख पाएंगे, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे अपने पावर को लेकर, इन्हें अपनी इमेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी कि अगर इनकी इमेज कहीं से भी ट्रैनिश हो रही है तो दे आर जस्ट रियली वेरी वरीड अबाउट दैट। और ये इमेज अगर आपके सामने इनकी बनी हुई थी तो इन्हें लग रहा है कि इनकी इमेज ट्रैनिश हो रही है,
ये अपने वादों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, या फिर आपके सामने कुछ इनसे मतलब कुछ मिस आउट हो गया, इनसे कोई गलती हो गई है इनसे, और ये उस गलती को कैसे मेकअप करें इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, वापस से सब कुछ हैप्पी टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दे आर जस्ट होपिंग फॉर द हैप्पी टाइम फ्रॉम द यूनिवर्स। ये प्रे कर रहे होंगे गॉड से कि सब कुछ इनकी लाइफ में दोबारा से एक ब्लिस वापस इनकी लाइफ में लौट आए, जो कि अभी मिसिंग है। अभी बहुत ही एक सैड एम्बियंस इनकी लाइफ में बना हुआ है। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। और अभी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स देखते हैं गाइस, कि अगर ये आपके बारे में अपने हार्ट स्पेस पर कुछ फील कर रहे हैं तो वो क्या है। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 of Swords, 3 of Swords, 6 of Coins, 8 of Swords, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द हायरोफेंट एंड ऑल्सो एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन ज़रूर एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में भी बने हुए हैं। हो सकता है इनके हार्ट चक्रा पर एक एनर्जी फ्लो रुक सा गया है अभी, दे आर इन पेन। ओके, और इस वजह से ये अपनी शायद फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं या खुद छुपे हुए हैं। अभी ये बिल्कुल भी आपसे शायद बात नहीं कर पा रहे होंगे। ये जो भी सोच रहे हैं अपने एंड पर, इनके माइंड में जो भी चल रहा है आपको लेकर, ये शायद उन सारी बातों को बताना नहीं चाहते अभी। दे आर जस्ट होपिंग कि या तो इन्हें आपकी तरफ से कोई एक्शन मिले, जहाँ पर हो सकता है ये उसके बाद कोई एक्शन रखें। पहले ये आपके एंड पर कोई एक एक्शन देखना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई बातें सुनना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सिचुएशन को। और अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, तो दे आर जस्ट होपिंग कि आपकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल इनकी तरफ आए और फिर ये शायद अपने एंड की बातें आपसे कहेंगे। अभी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, और जिसके चलते ये अभी खुद के बिलीफ सिस्टम से लड़ रहे होंगे। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट ग्राउंड कि जहाँ पर भी ये खुद को स्टैंड करवा सकें। जैसे कि मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत कुछ कोलैप्स्ड हो गया है, जैसा इन्होंने नहीं सोचा था ऐसी चीज़ें टर्न हो गई हैं यहाँ पर। और क्योंकि आपके पर्सन को क्रिएशन पर बिलीव रखते हैं, इन्हें लगता है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक हो किसी भी रिलेशनशिप में, अगर एक प्रॉपर वेज पर एफर्ट आ रहा है, एफर्ट जा रहा है, तो तब चीज़ें सही से बैलेंस होती हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनको जो लग रहा था, जैसा इनका एक थॉट प्रोसेस था इस कनेक्शन को लेकर, चीज़ें उस तरह से टर्न नहीं हो रही हैं। आपके एंड पर हो सकता है आप इनसे या तो नाराज़ हो, या फिर आप इनके साथ एक डिफरेंस महसूस करते हो। तो वो डिफरेंस जब आपने इनके साथ डिस्कस किया, तो आपके पर्सन को पता चला कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, और अगर इनका अटेंशन यहाँ पर नहीं जाता है तो और भी चीज़ें वर्सन हो सकती हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन द मून वाली एनर्जीज में है अभी। दे आर जस्ट अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट और एक फियर में है, फियर ऑफ लूजिंग यू, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। इन्हें लगता है कि ये आपको खो देंगे, और जिसके चलते ये एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। लेकिन हाँ, योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर एक्शन, कि इन्हें लगता है कि अगर आप ओपन अप होना शुरू करोगे तो ये भी अपनी बात कोई आपके सामने रख सकेंगे। जो कि एग्जैक्टली मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि फ्यूचर तभी बिल्टअप होगा जब आप अपने एंड की बातें इन्हें बताओगे, अपना पर्सपेक्टिव इनके साथ डिस्कस करोगे। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना पर्सपेक्टिव नहीं बताओगे, तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे हो। और कुछ रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, कि आप उनके बारे में क्या अज्यूम कर रहे हो, या फिर ये आपके बारे में क्या अज्यूम कर रहे हैं। और जब रियलिटी सामने आती है तो वो अजम्पशन इस कदर कोलैप्स्ड हो जाती है, वहाँ पर आपके ड्रीम्स चकनाचूर हो जाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम चकनाचूर हो जाते हैं। तो कुछ तो अगर ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हैं जो एक्चुअल में डिस्कस होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही हैं, तो जस्ट स्पीक आउट योर हार्ट। जो भी सच है उसे बोलने की कोशिश कीजिए, भले ही इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन एक बार जब आप इन्हें बता दोगे कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, या फिर
जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, उस सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हो, इस बात की अगर क्लैरिटी आप अपने पर्सन को दे दोगे तो आपके पर्सन हो सकता है अपने एंड पर कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे या फिर आपके साथ मिलकर ये वर्क करना चाहेंगे, और ये आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे यहाँ पर। हो सकता है ये जो आपके पर्सन हैं ये अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलते होंगे, जो कि शायद आप इनके बिलीफ सिस्टम से सहमत नहीं हो। आपका जो बिलीफ सिस्टम है टोटली इनसे डिफरेंट होगा, या फिर आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी जो सीख है रिलेशनशिप को लेकर, वो टोटली डिफरेंट होगी इनसे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ही वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं। इनका सोचने का तरीका रिलेशनशिप को लेकर टोटली इंटायरली डिफरेंट है, और आपका जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होगा इनसे। तो डिफरेंसेस अगर हैं गाइस, तो उन डिफरेंसेस को आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। एक क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ पर डिमांड हो रही है। इवन आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप बताएं इन्हें, तब शायद ये आपके साथ मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं ब्यूटिफुली, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएंगी यहाँ पर, और जिस बात की ग्राउंडिंग आप चाहते हो वो कभी आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो जस्ट ट्राई कीजिए कि जिस मैनर में भी आप अपने पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें, ट्राई टू फाइंड आउट दैट वे। इवन एक्सप्रेशन एक क्रिएटिव वेज में भी हो सकता है। अगर आप में से कई सारे लोग क्रिएटिव पर्सन हैं और आप अपने पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते, एक ऐसा मीडियम चूज़ करना चाहते हो कि आप अपनी बात भी रख दें और इन तक वो बात कन्वे भी करवा दें और इन्हें हर्ट भी ना हो, ऐसा कुछ अगर मीडियम है तो ज़रूर आपको ऐसा कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा अपनी बात को रखने का। तब आप जब अपनी बात इनके सामने रखोगे तो शायद ये भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ये अपने हिस्से की, अपने एंड की बातें आपके सामने ज़रूर शेयर करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स देख रही हूँ मैं, या तो आपने इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है या फिर चीज़ें अजम्पशन पर बेस्ड हैं यहाँ पर। तो अजम्पशन पर चीज़ें या रिश्ते नहीं ग्राउंड हो सकते। क्लैरिटी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर चाहिए। तो ज़रूर आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं आपके बारे में। तो इवेंचुअली अगर ये इस कनेक्शन में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो क्या है? जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइंस। तो एक्शन आएगा इनका। अभी ये एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जस्टिस यहाँ पर आए, और यहाँ पर कुछ तो इनजस्टिस चल रहा है, या तो इनकी तरफ से या तो आपकी तरफ से। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगेन वही मैं कहूँगी कि आपने या तो कुछ बातें मिस इंटरप्रेट करके गलत समझ लिया है, एंड वाइस वर्सा कि इन्होंने कुछ बातें मिस इंटरप्रेट करके गलत समझ ली हैं, और ये चाहते हैं कि जस्टिस यहाँ पर आए, क्लैरिटी आए और एक दूसरे को बोलने का इक्वल मौका मिले और समझाई जाए बातें। और किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट, अगर यहाँ पर कोई इंसान हद से ज़्यादा कंसील्ड मैनर में बना हुआ है, एक मास्क पहनकर इस कनेक्शन पर बना हुआ है, तो ज़रूर यहाँ पर एक अप्रोच लगेगा। कोई इंसान, यानी कि अगर आपके पर्सन ही एक सेल्फ फॉल्स मास्क पहनकर बैठे हैं, अगर ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं बता रहे हैं, अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को लेकर, अगर ये डिनाइल में बने हुए हैं, तो शायद अभी ये सोच रहे हैं कि ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर कि आपके पर्सन ने हिंटिंग वाइज या फिर बहुत सारे मैनर्स में आपको अपनी फीलिंग्स का बता दिया है, तब भी आप शायद कंसिडर नहीं करते होंगे। कुछ लोग ओवर क्लैरिटी पर बिलीव रखते हैं कि मुझे आप सीधे सीधे बता दो, क्योंकि मुझे इस तरह का इनडायरेक्ट अप्रोच पसंद नहीं है, या हिंटिंग जेस्चर्स वगैरह मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि इन्होंने बता तो दिया है कि हाउ मच दे लव यू, बट स्टिल यू गाइज आर नॉट बिलीविंग इन इट, और इस वजह से आप दोनों के बीच में ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तो आपके पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जस्टिस लेकर आए यहाँ पर। जस्टिस की कमी है इस कनेक्शन पर,
to ground. So three of cups even talks about get together, meeting, reconciliation, reunion. बहुत सारे लोगों के लिए अगर distance है आप दोनों के बीच में तो वो distance cover करना चाहते हैं आपके person. And eight of wands and knight of coins talks about कि they are going to take some action here, जो कि या तो messaging के form में हो सकता है, communication के form में हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए reach out भी हो सकता है. एटलीस्ट आपके पर्सन आपको ये बता देंगे कि ये जो कनेक्शन है ये इस पर वर्क करना चाहेंगे और इनके कुछ प्लान्स हैं आपको लेकर. प्लानिंग्स क्या है ये भी बता सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट वेज पर कोई कमिटमेंट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये आपको कोई कमिटमेंट प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है. लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी हैवी सिचुएशन अभी बनी हुई है वो ज़रूर लाइटन अप होगी. वो ज़रूर एक तरह की ग्राउंडिंग यहाँ पर देख सकती है. जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकती हूँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों के लिए रिजॉल्व होने वाली है. एक सेलिब्रेटिंग टाइम आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हो विद द थ्री ऑफ कप्स एनर्जी. तो एनर्जीज आर गेटिंग पॉजिटिव, बट यहाँ पर फिर भी मैं कहूँगी कि अपने हिस्से की बात ज़रूर इनसे कह दें टू डिसाइड द फ्यूचर. अगर फ्यूचर में भी आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बता दें, यू नो, अज्यूम करके ना बैठे. अजम्पशन एक पॉइंट तक सही होता है गाइस. अगर आप किसी के बारे में कुछ समझ कर चल रहे हो, कुछ अज्यूम करके बैठे हो कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना है, और अगर आप इनके हिंट्स को मिसइंटरप्रेट कर रहे हो, कभी कभी बहुत सारे लोग बातों बातों में बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना. तो अगर वो बात आपके दिल तक पहुंच गई है और इंट्यूशन भी आपका वहां पर सही से मैच कर गया है तो तब आप उस चीज़ पर बिलीव रखिए, वरना खुद को एक फाल्स होप में बनाकर मत रखिएगा गाइस. यही आपसे कहा जा रहा है कि क्लैरिटी इज़ मस्ट, भले ही वो रिलेशनशिप में हो या किसी भी आपके लाइफ के एरिया में हो. आप अपनी बात क्लियरली कहेंगे तो सामने वाला भी अपनी बात क्लियरली कह पाएगा. अगर आप किसी इंसान को कन्फ्यूजन में रखोगे या फिर चीज़ों को जस्ट अज्यूम करके रहोगे तो वो ना तो रिलेशनशिप फ्लोरिश कर पाएगा, ना ही ग्राउंड कर पाएगा, और फाइनली इवेंचुअली आप अपनी अजम्पशन की वजह से हर्ट होते जाओगे. तो हर्ट नहीं होना है और चीज़ों को जिस हद तक हो सके उस हद तक क्लियर करने की कोशिश करनी है. तो आज की जो एनर्जी थीम थी उन सारी रीडिंग्स को भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको थीम बता दी है. और ये जो भी हमने आज अभी इस रीडिंग में जो भी डिस्कस किया है ये आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन पर. और आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं. अगर ये सिचुएशन एग्जैक्टली आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो एक्शन भी आपके पर्सन का ज़रूर आने वाला है यहाँ पर, जहाँ पर आपको मौका मिलेगा कि आप इनसे बात कर सकें. एंड आपके पर्सन भी ज़रूर वो मौका अपने लिए बना लेंगे कि ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी प्लानिंग्स आपके साथ शेयर कर सकें. ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.